मॉडल टाउन इत्तफाक क्रिकेट ग्राउंड पर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम की जानब से कब्जे और मुकामी क्लबों को खेलने की इजाजत न देने पर MNA नसीर भुट्टा की क्यादत में मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ और वजीर अला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि इत्तफाक क्रिकेट ग्राउंड पर लाहौर रीजन के सदर का कब्जा खत्म कराया जाए। MNA नसीर भुट्टा ने मुजाहरीन से वादा किया कि वो जल्द इस हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज ये एक पिच जो है इंटरनेशनल लेवल की पिच है, इसके अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं वो इंशाल्लाह हम नौजवानों के हल करवाएंगे, क्योंकि इसके लिए भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमें खुशी है वो ये है कि ये फैसिलिटी जिसके लिए आज हम समझ रहे हैं कि ये मेरा हक है या आपका हक है या यूथ का हक है या फलां का हक है या किसी चुन्नी का हक है या मुन्नी का हक है, उसके ऊपर हम ये समझते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के मसले हैं और ये हमारे लेवल के मसले हैं। ये हम जो भी मुतलका इंतजामिया है जैसे चुनी साहब हैं उनके साथ मिलकर के इंशाल्लाह हम इसको हल करवाएंगे। यहाँ के हमारे NA 127 का हर बच्चा जो है उसका हक है इसके ग्राउंड के ऊपर। बोस्तान जिमहाना के सदर जुल्फकार बेग ने बताया कि ग्राउंड इलाके के नौजवानों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इस ग्राउंड पर कब्जा करके बुकिंग के नाम पर पैसे कमाए जा रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ हम लोग 10 साल से खेल रहे हैं, मोर देन 10 ईयर्स यहाँ खेल रहे हैं और ये हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो प्रैक्टिस करने के दौरान तकरीबन लास्ट ईयर 2 साल पहले ये IT टावर बनना है। इन्होंने हमारे मैनेजमेंट ने आके हमारे से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करें फिलहाल अपनी प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि यहाँ कुछ चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, कि वो दूसरा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी उन्होंने कहा था और हमने मुल्की मुफाद की खातर हमने डिसकंटिन्यू किया। और इन द मीन टाइम इन्होंने शिबाशी साहब ने ग्राउंड रेनोवेशन की, रेनोवेशन में ये हमारी ग्राउंड भी थी। मैं चुनी साहब के पास गया हूँ कई दफ़ा, एक दफ़ा ने सो मेनी टाइम्स और उन्होंने हर दफ़ा मुझे प्रॉमिस किया कि यू विल बी टेक सम स्पेस फॉर यू, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे रिड्यूस किया। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे स्टेट रिफ्यूज कर दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू प्ले देयर। और एक चीज़ और उन्होंने वेरी नेक्स्ट उन्होंने ये भी मुझे कहा जी कि आप ऐसा करें कि ये ग्राउंड का कब्जा छोड़ दें। मैंने कहा मैंने कब्जा किया ग्राउंड का कब्जा कहाँ छोड़ूंगा। नौजवानों में क्रिकेट के जुनून के बायस शहर की ग्राउंड पर काबज अफराद की चांदी हो गई है। ग्राउंड बुकिंग के नाम पर गरीब खिलाड़ियों से खेलने का हक भी छीना जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने शहर में 100 ग्राउंड्स तो बना दी, लेकिन इन ग्राउंड्स पर कमर्शियल कब्जों को खत्म कराए बगैर नौजवान नस्ल को खेलने के मौके नहीं दिए जा सकते। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42।